कानपुर यातायात और कानपुर मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से 12 से 4 बजे तक का रूट डायवर्जन का ट्रायल आज किया गया। इस दौरान अगर आपको परे चौराहे से बड़े चौराहे की तरफ जाना है तो लैंडमार्क होटल के पीछे मार्ग को अपनाना पड़ेगा, और अगर आपको बड़े चौराहे से परेड की तरफ जाना है तो कोतवाली से परेड ग्राउंड की तरफ से जाना पड़ेगा। यह ट्रायल आज के लिए 12 से 4 बजे तक रोड समस्याओं में आने वाली दिक्कतों और उसके निस्तारण के लिए किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन की तरफ से और यातायात पुलिस की तरफ से एक रूट डाइवर्जन किया गया, इसका ट्रायल किया गया, तो अभी तक इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं और क्या किस तरह से काम चल रहा है? कानपुर मेट्रो का काम अब द्वितीय फेज में कर्नलगंज से लेकर के मेघदूत चौराहे तक होना है। इसके लिए हम लोगों ने इस पूरे स्ट्रेच को डाइवर्जन प्लान हम लोगों ने निर्धारित किया था। इस डाइवर्जन प्लान को ट्विटर, फेसबुक व अन्य माध्यम से नगरवासियों को परिचित कराया गया था और उनसे उस पर सुझाव मांगे गए थे। इन सुझावों के मद्देनज़र आज इसका ट्रायल प्लान शुरू हुआ है। इस ट्रायल में हम लोग ये देखेंगे कि जो डाइवर्जन हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, जो अगले 2 साल तक डाइवर्जन रहेगा, वो कैसा काम करेगा, इसमें जनता को, ट्रैफिक पुलिस को व अन्य विभागों को क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस फीडबैक के माध्यम से हम एक फाइनल डाइवर्जन प्लान इसका बनाएंगे। अभी इसको कोई लागू करने का कोई अभी ऐसा प्लान है कि केवल पहले देखना है डाइवर्जन के लिए कि डाइवर्जन तो करेंगे फिर उसके बाद इसमें बारीकियों से देखेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही, फिर उसके बाद इसको लागू करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आज जो है इसका हम लोग ट्रायल रन कर रहे हैं, इसको हम लोग ट्रायल के रूप में चला रहे हैं। इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं से हम लोग सीख लेकर के जो फाइनल डाइवर्जन प्लान है वो कराएंगे। कानपुर से विशेष संवाददाता प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट आज अभी।